दोस्तों बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को ये नहीं पता होता है कि डेली एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है और स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, है ना, और इसका यूज कैसे कर सकते हैं और अपने करियर को अपन कैसे एनहेंस कर सकते हैं, स्किल्स नई नई सीख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप DSR, DAR और स्पेसिफिकेशन का यूज करके कैसे नई नई चीजें सीख सकते हैं सिविल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ऋषभ देव सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली क्या होता है DSR, DAR और स्पेसिफिकेशन और उसको यूज कैसे करने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि ये जो DSR है, DAR और स्पेसिफिकेशन है, ये CPWD सेंट्रल PWD के ये तीन बुक्स हैं जो इन्होंने पब्लिश की है और ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट की है, ताकि सारा काम जो भी है CPWD जो भी काम इशू करेगी या फिर जो भी काम बोलेगी करने के लिए, तो आपको DSR, DAR और स्पेसिफिकेशन फॉलो करके ही करने हैं बहुत सारे काम। ओके, तो सबसे पहले अपन एक सिचुएशन समझ लेते हैं, तो कैसे कैसे अलग अलग तरह के सिविल इंजीनियर स्पेसिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं अपन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके कि एक ये नए नए ब्रिक्स आए हैं आपके साइड पे, ट्रॉली पे है अभी है, और दूसरा ब्रिक वर्क हो रहा है, तीसरा आपका ब्रिक कोबा हो रहा है ना, वाटर प्रूफिंग होती है ये, और तीसरा चौथा आपका कि यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब कि एक हाइट दी हुई है, हाइट के ऊपर जबकि 1200 mm तक आपका ब्रिक वर्क हुआ है और उसके ऊपर DPC हुई है। ओके, शायद बालकनी का केस होगा, है ना। तो अब अलग अलग सिविल इंजीनियर्स कैसे देखते हैं, क्या नजरिया होता है अलग अलग सिविल इंजीनियर्स का। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर कोई साइट इंजीनियर होगा तो साइट इंजीनियर इस पिक्चर को कैसे देखेगा कि नॉर्मल साइट पे आई, उसका ब्रेक आया और वो क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूशन शुरू करवा देगा, जो आपकी ड्राइंग देखने ड्राइंग होगी और ड्राइंग से डायरेक्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करा देगा कि आपका ब्रेक वर्क हो रहा है ना, या फिर ब्रेक ओवर हो रहा होगा तो ब्रेक ओवर करा देगा। उसके नजरिए क्या होगा कि जैसे ही ब्रेक आएगी तो मेरे को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है उसको, काम में लगाना है वो ब्रेक उसको। और एज अ क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी अश्योरेंस कोई अगर बंदा काम कर रहा है एज अ सिविल इंजीनियर, तो वो क्या देखेगा कि ये जो ब्रेक्स आए हुए हैं क्या इनकी क्वालिटी सही है, क्या इनके डायमेंशन सही है, वाटर एब्जॉर्प्शन इनका सही है, या कंप्रेशन टेस्ट अगर इसका करेंगे तो जो प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए ब्रिक्स की, क्या वो सही है या नहीं है। उसके बाद ही वो अगर नॉर्म्स फॉलो होते हैं कि सब कुछ स्पेसिफाइड हो जाता है कि ब्रिक्स की क्वालिटी सही है, तभी वो ब्रिक वर्क को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा। ये आप एज अ क्वालिटी कंट्रोल सोचेगा कोई भी सिविल इंजीनियर। और तीसरा अगर बात करो कोई आपका बिलिंग इंजीनियर होगा तो वो इस पिक्चर को कैसे देखेगा, वो क्या सोचेगा कि आपके उसको कोई क्वालिटी से मतलब नहीं है, है ना, उसको सिर्फ मतलब है कि जितना एग्जीक्यूशन हुआ है ब्रिक वर्क, चाहे वो ये नॉर्मल ब्रिक वर्क हो, है ना, चाहे वो 4.5 इंच हो या फिर 9 इंच हो, या फिर आपका ब्रिक कोबा हो रहा हो, है ना, या फिर आपका ब्रिक्स के बाद कुछ DPC हो, है ना, तो उससे क्या उसको क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ उसको मेजरमेंट लेनी है ना, मेजरमेंट लेके क्लाइंट को क्लेम करना है पैसे, ताकि अपनी कंपनी को पैसा दिला पाए, है ना। तो वो क्या करेगा, सिर्फ मेजरमेंट लेगा, इस ब्रिक वर्क का मेजरमेंट ले लेगा, कैसे किस मोड ऑफ मेजरमेंट में उसको मेजरमेंट लेना है, ब्रिक कोबा का कैसे मेजरमेंट लेना है, ऐसे आपका DPC में किस मोड ऑफ मेजरमेंट में आपको मेजरमेंट लेना है, ये सिर्फ किसी भी बिलिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए, है ना। और अगर आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं या फिर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं, तो आप कहाँ से पता चलेगा, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ से आपको ये सब कुछ पता चलेगा, है ना, वो होता है डॉक्यूमेंट कहलाता है स्पेसिफिकेशन, है ना। तो स्पेसिफिकेशन आपको दिखा भी देता हूँ, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे सीख सकते हैं आप, मैं एज अ क्वालिटी कंट्रोल बिलिंग इंजीनियर के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो ये आपका स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन का भी क्या है, रोल क्या है, फंडा क्या है, समझिए थोड़ा सा कि ये जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें आप अलग अलग तरह के IS कोड्स पढ़ते हैं, जैसे आपका कॉन्क्रीट का IS कोड है, 456 IS कोड है, सैंड टेस्ट करना हो तो उसके लिए अलग IS कोड है, अगर आपको कंप्रेशन टेस्ट करना हो तो उसके लिए अलग IS कोड है ना, इसी तरह ब्रिक्स के लिए भी बहुत सारे IS कोड्स हैं, मेजरमेंट के लिए अलग IS कोड्स हैं, है ना। लेकिन इस स्पेसिफिकेशन में क्या किया हुआ है, इस CPWD में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है, इन सारे IS कोड्स को मर्ज करके, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो या फिर डिजाइन से रिलेटेड हो या फिर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो या फिर मेजरमेंट से रिलेटेड, सारे IS कोड्स को मर्ज करके स्पेसिफिकेशन में ला के रख दिया है, है ना। तो अब हम ये भी देखेंगे कि कैसे आपको चेक करना है, अगर ब्रिक वर्क हो रहा है या फिर कोई सा भी काम हो रहा है, कॉन्क्रीट वर्क हो रहा है, प्लम्बिंग वर्क हो रहा है, कोई सा वर्क हो रहा है, सब कुछ स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा, आपको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं, कौन कौन कैसा मेजरमेंट लेना है। इससे पहले थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ ब्रीफ
कर देता हूँ कि जैसे ये स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है 2019, तो स्पेसिफिकेशन के दो वॉल्यूम हैं और 2019 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये 2019 में एक बार रिवाइज हुआ है, ये बार बार रिवाइज होता है ना। अब जो भी रिविजन होता है वो आपको प्रीफेस के उसमें दिख जाएगा कि क्या क्या इन्होंने रिवाइज किया हुआ है। तो जैसे मैं आगे कर रहा हूँ तो प्रीफेस खोलेंगे अपन, देखेंगे कि प्रीफेस में इसे प्रीफेस खोल गया है ना। इसमें वॉल्यूम 1 में 0 से लेके 12 चैप्टर, 12 चैप्टर तक वॉल्यूम 1 है, 13 चैप्टर से लेके आपका 26 चैप्टर तक वॉल्यूम 2 में है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है प्रीफेस पे कि क्या क्या इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। तो जैसे अर्थवर्क में मैं आ जाऊँ तो क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन फॉर फिलिंग विद अवेलेबल फ्लाई ऐश एंड अर्थ have been incorporated. The clause number 2.2 has been deleted. मतलब 2.2 जो clause था उसको delete करके है ना इसको incorporate कर दिया इन्होंने। कि concrete work में क्या लिखा हुआ है, specification of aggregate from other natural resources shall comply with requirement of IS 383-2016 has been introduced. मतलब कि आपको जो भी aggregate का quality check करना है वो IS 383 के हिसाब से introduce कर दिया गया है पहली बार। मैसनरी वर्क में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एएसी ब्लॉक मैसनरी हैज इनकॉर्पोरेटेड द नेम ऑफ सब हेड ब्रिकवर्क हैज बीन रीनेम्ड एज मैसनरी वर्क। मतलब कि इससे पहले जो 2009 का स्पेसिफिकेशन था उसमें सब हेड था ब्रिकवर्क था, मतलब चैप्टर का नाम जो था ब्रिकवर्क था, उसको रिप्लेस क्या कर दिया, नेम क्या कर दिया है, मैसनरी वर्क से रीनेम कर दिया है और एएसी ब्लॉक्स का नया फंडा इसमें उन्होंने डाला है। ओके तो ये सारे क्या है आपके जो जो बदलाव किए हैं इन्होंने वो सब इसमें प्रीफेस चैप्टर में डाल दिया है। अब मैं बात करूं जैसे कि ब्रिकवर्क का, तो ब्रिकवर्क की बात करें तो मैं ब्रिकवर्क का चैप्टर खोलूंगा। तो ब्रिकवर्क कौन सा चैप्टर है सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन, जो कि मेसनरी वर्क से इन्होंने रिनेम कर दिया है। तो मेसनरी वर्क 6 चैप्टर है। ओके तो 6 सब हेड है, तो 6 सब हेड में अपन जाएंगे तो ये आ गया आपका मेसनरी वर्क। यहाँ से आपका मैसनरी वर्क का सारा जितना भी स्पेसिफिकेशंस है जैसे जैसे आपको काम करना है सब कुछ इसमें दिया होगा। तो शुरू कर देते हैं अपन चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला आपको, लिस्ट ऑफ मैंडेटरी टेस्ट, लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब कि आपके जितने टेस्ट होने हैं मैंडेटरी हैं वो लिखे हुए हैं इसमें स्टार्टिंग में। जितने आयास कोड बताया था ना मैंने आपको, जितने आयास कोड रिलेटेड हैं ब्रिकवर्क से वो सब कुछ मिल जाएगा आपको इसी में स्पेसिफिकेशन में। मतलब अब आपको अलग अलग आयास कोड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी काम आपके साइट पे हो रहा है डायरेक्ट आप क्या करो, सीधा उठाओ स्पेसिफिकेशन वो चैप्टर उठाओ और पढ़ लो जो भी आपको पढ़ना है। टर्मिनोलॉजी मिलेगी है ना, तरह तरह के ब्रिक्स हैं है ना, ब्रिक्स हैं, ब्रिक टाइल्स हैं, ब्रिक पैड्स हैं, ये सब क्या होता है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है वो सब कुछ दिए हुए हैं। ओके हाफ ब्रिक वर्क, हाफ ब्रिक वर्क, ब्रिक टाइल वर्क, हनीकॉम ब्रिक वर्क, ये सब क्या होता है, ये सब कुछ दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन में है ना। तो थोड़ा सा अपन और डीप पे चले जाते हैं कि जैसे मैंने बताया था वहाँ पे लिखा हुआ था लिस्ट ऑफ मैंडेटरी टेस्ट, तो मैंडेटरी टेस्ट की पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे कि आपको ब्रिक अगर करना है तो इस क्लॉज के हिसाब से ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं, लैब में परफॉर्म होगा है ना एज पर टेबल नंबर 6.3। ये सब आप ब्रीफ करोगे थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो ना। मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा। अब ये सारे लिस्ट ऑफ आईएएस कोड्स हैं, जितने आईएएस कोड पूरे ब्रिकवर्क से रिलेटेड हैं वो सारे उठा के यहाँ पर रख दिए और यही सारे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, इन सारे आईएएस कोड्स से ये उठा के कहाँ पर रखे हुए हैं, पूरा यहाँ पे पूरे चैप्टर पे है ना। ये आपके टर्मिनोलॉजी है, बॉन्ड है, क्लोजर क्या होता है, कॉर्नेस क्या होता है, कोर्स क्या होता है, देखिए कोर्स क्या होता है टेक्निकल वर्ड है, लेयर ऑफ ब्रिक्स इंक्लूडिंग पेड मोटर्स, मतलब जो अपन ब्रिक की लेयर बिछाते हैं उसको क्या कहते हैं टेक्निकल वर्ड क्या है, कोर्स है उसका। ओके हेडर क्या होता है, जैम क्या होता है ना, ये सब कुछ आपका टेक्निकल वर्ड्स इसमें मिल जाएंगे। देन अगर आप एज अ बिलिंग इंजीनियर काम कर रहे हैं क्वालिटी के हिसाब से तो आप समझ गए, अगर आप एज अ बिलिंग इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी मेजरमेंट की, तो आप मेजरमेंट देखेंगे कि मेजरमेंट को उससे रिलेटेड इसमें क्या लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन में वो अपन देख लेते हैं। डायमेंशन दिए हुए हैं, क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए आपके ब्रिक के, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सैम्पलिंग कैसी होनी चाहिए उसका है ना, स्टैक कैसे करना है, वो सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो देखिए अभी यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर रहे थे अपन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिक वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब जब तक आपका स्पेसिफाई नहीं करता है तब तक, जैसे ये हाफ ब्रिक वर्क में स्पेसिफाई कर देता है ना उसकी बात नहीं हो रही, अब फुल ब्रिक वर्क की बात हो रही है। तो
जिसमें ब्रिकवर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में आपको मेजरमेंट लेना है। अब देखिए डिडक्शंस की बात कर रहे थे, तो नो डिडक्शन और एडिशन शैल बी डन एंड नो एक्स्ट्रा पेमेंट मेड फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ना कि ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर इन एरिया, अगर एक स्क्वायर 0.1 मीटर स्क्वायर तक की ओपनिंग है ना तो आपको क्या करना है, कोई डिडक्शन नहीं करना है ना। चेंजेस ऑफ सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 50 सेंटीमीटर इन गर्थ, अगर कोई ऐसा सेक्शन आता है जिसका गर्थ 50 सेंटीमीटर है तो आपको क्या करना है, कोई डिडक्शन नहीं करना है। ये सारे क्या है आपके डिडक्शन करने के पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हो। अगर आप इसका आयस कोड देखेंगे तो मेजरमेंट का आयस कोड 1200 अलग से आपको ब्रेकवर्क के चैप्टर में जाके देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन में दे दिया हुआ है। प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ। अब दूसरी बात कर लेते हैं अपन DSR और DAR की। फ्रेंड्स अगर DSR और DAR की बात करूं मैं तो आपने SOR सुना होगा, वैसे ही आपका दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स है, ये दिल्ली का शेड्यूल ऑफ रेट है, बॉडी है CPWD। इस DSR में आपको अलग अलग आइटम्स मिल जाते हैं, तो इस DSR में आपको अलग अलग काम करने के अलग अलग रेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये बिल ऑफ क्वांटिटी है। अब बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या किया है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के हिसाब से किसी एस्टिमेशन इंजीनियर ने है ना ये आपका बिल ऑफ क्वांटिटी बनाया है। अब इसका आइटम क्या है, पहला सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड, मतलब सरफेस ड्रेसिंग करनी है ना, और उसका जो रेट है 24.35 24.35 जो आपका रेट है। ओके तो ये रेट डायरेक्ट कहाँ से उठाया हुआ है, DSR से। DSR बताता है जो कि SOR है कि आपको ये काम करना है या फिर अलग अलग तरह के काम करना है तो आपको उसके रेट्स क्या होंगे, ये आपको DSR से मिलते हैं। ओके तो एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, जैसे 2.28.1 है ना, तो इसका रेट अगर अपन देखेंगे तो 2.28.1 में जाऊंगा मैं, ये आपको रेट दिख रहा है 24.35। ओके ये क्या है रेट कि अगर आपको सरफेस ड्रेसिंग करनी है तो 24.35 का आपका रेट हो जाएगा। बट ये रेट आया कहाँ से, ओके कहीं ना कहीं से तो आपका इसका एनालिसिस किया होगा, कुछ रेट एनालिसिस जिसको कहते हैं अपन, तो ये रेट एनालिसिस DSR का DAR में मिलता है ना। और इसका जो क्लॉज नंबर होता है एकदम सेम क्लॉज नंबर DSR का और DAR का होता है। तो अगर मैं 2.28.1 की बात कर रहा हूँ तो अगर इसी क्लॉज में अगर DAR पे जाऊँगा तो मेरे को मिल जाएगा, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे 2.28.1, इसका जो भी रेट एनालिसिस है वो मेरे को देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 24.35 ये भी रेट उठ के कहाँ पे गया है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स में। तो अब इसमें कैसे कैसे रेट्स आए हुए हैं ये दिया हुआ है कि बेलदार लग रहा है आपका, कूली लग रहा है आपका, फिर आपका कुछ वाटर चार्ज 1% जोड़ रहा है, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ GST डाल रहे हैं 0.1405 है ना, 14.05% के समथिंग GST लग रहा है ना, और 15% CPNOH कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्ज लगा रहे हैं अपन, फिर सेस लगा रहे हैं है ना, उसके बाद अपना रेट क्या रहा है 24.34, जिसको राउंड ऑफ में 24.35 कर दिया है। तो ये होता है चीज़ें कि आपको स्पेसिफिकेशन का यूज़ तब करना है जब आपको एग्जीक्यूशन करना हो, और DSR और DAR का यूज़ कब करना है, जब आपका कोई एस्टिमेशन इंजीनियर BOQ बना रहा होता है तो BOQ में वो रेट्स कहाँ से लेके आता है, DSR से, और DSR में रेट्स कहाँ से आए हुए हैं, DAR से। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको DSR, DAR और स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।